ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। चाइनीज वो हो गया था ग्रोथ रेट ऑफ चाइना, ठीक है। यहाँ पे जो स्लो ग्रोथ रेट का जो कारण एक बताया था, अब जो वर्तमान में चाइना की इकोनॉमी स्लो ग्रोथ कर रही है, उसका एक कई कारण थे कि दूसरे देश में लोग जाना चाहते थे। तो एक ये था, ये पॉलिटिकल प्रेशर वाला, ठीक है। पीपल वांट टू गो एट such places where government intervention is minimum and political as well as social liberty is maximum। ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहाँ पे जो सरकार का हस्तक्षेप है कम से कम हो, साथ में सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा हो। अभी एक जैक मा के बारे में सुना होगा, जैक मा के बारे में किसी ने सुना है? Alibaba.com सुना है? Alibaba ग्रुप, yes sir। हाँ, ये Alibaba ग्रुप के फाउंडर हैं। प्रेजेंट टाइम में इनको चाइनीज गवर्नमेंट ने गायब कर दिया है। Alibaba ग्रुप जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज दे रहा है, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको गायब कर दिया। पता नहीं इनका कहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा मतलब चाइना की गवर्नमेंट कर रही है, अपना प्रेशर दे रही है। ग्रोथ हिस्टोरी ऑफ इंडिया, भारत की कहानी, भारत की जो ग्रोथ हिस्टोरी है, यानी समृद्धि दर की स्थिति है। ग्रोथ हिस्टोरी ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट, In 2019, GDP of India was estimated to be $2.9972 trillion. Was estimated, ये actual नहीं दी है, ठीक है। 2019 की जो इंडिया की GDP $2.972 trillion जो मान के चले थे कि आकलित की गई थी, इसमें से पता चल जाता है GDP of India in 1,27,33,366 144.66 lakh crore, ये करेंट, ये कौन से प्राइस पे है, कॉन्स्टेंट प्राइसेस में है, ठीक है। फर्स्ट, इसमें सारा चीज़ें रुपीज में दी हैं, डॉलर में नहीं दी हैं, ये बात में सर्च करके देख लेना क्या है। तो ये एस्टिमेट की गई थी 2.972 trillion USD, लेकिन एक्चुअल में इससे कम ही थी, ठीक है। बिटवीन द ईयर्स 1951 टू 2019, इंडियन इकोनॉमी अचीव्ड एन एवरेज ग्रोथ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। 1951 से लेकर 2019 के बीच में जो भारत की जो भी औसत वार्षिक समृद्धि दर रही है, वो 6% के आसपास रही है। बट वी हैव सीन ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ प्लान पीरियड, ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग, इट वॉज नॉट सो हाई। जो 1980 के पहले इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा GDP हाई नहीं थी। इट वॉज ओनली आफ्टर 1991 वेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड। ये 1991 के बाद ऐसा हुआ जब नई
आर्थिक नीति लागू की गई उसके बाद ही इतनी तेजी से बढ़ी, ठीक है। बिफोर 1991 द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज ऑलवेज बिलो 6%, इसके पहले हमेशा 6% के नीचे ही थी। आफ्टर 1991 इट अचीव्ड द हाईएस्ट जीडीपी ऑफ 9%, अबव 9%, 9% के ऊपर तक की जो जीडीपी ग्रोथ रेट भारत में आई, ये सब 1991 के बाद हुआ, ठीक है। स्पेशली जो 11th फाइव ईयर प्लान था उसमें देखी गई सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट 10th और 11th फाइव ईयर प्लान में। अब इसके कारण क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो भी मतलब निजीकरण की तरफ शिफ्ट किया गया, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी, उनको धीरे धीरे निजी क्षेत्र में बेचा जाने लगा, ठीक है। ए बिग लेप जंप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन डूइंग अवे विथ कंट्रोल्स एंड कोटास। लिबरलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ी छलांग लगाई गई, मतलब बहुत कुछ ध्यान दिया गया उदारीकरण की तरफ, मतलब जो भी नियम कानून थे उनको उदार बनाया गया, मॉडरेट किया गया, ठीक है। सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस कोटास हैव बीन रिमूव्ड, बहुत सारे जो भी व्यापार बाधाएं थी, बाध्यताएं थी, प्रतिबंध थे, कोटा थे, उन सबको हटाया गया। देन थर्ड अ बिग पुश टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट प्रमोशन। इन द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट प्रमोशन वी वर इंकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी हैड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन की नीति हमारे देश में पहले अपनाई जाती थी, अब इसकी जगह पे कौन सी नीति आ गई, निर्यात प्रोत्साहन की, निर्यात संवर्धन की नीति लागी। अब ये आयात प्रतिस्थापन में क्या होता था, जो भी वस्तुएं हमें दूसरे देशों से आयात करनी है उसे अपने देश में बनाने पर जोर दिया जाता था, लोगों को उत्साहित किया जाता था ताकि हमें दूसरे देशों से मंगाना ना पड़े। अब इसकी जगह निर्यात संवर्धन की नीति अपनाई जाने लगी, मीन्स नाउ वी एनकरेज वी एम्फेसिस ऑन दोज गुड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी मे सेल इन अदर कंट्रीज। अब हम ऐसे उत्पादों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा बल देते हैं जिन्हें दूसरे देशों में बेच सके, जिनकी बिक्री कर सके दूसरे देशों में, ये है निर्यात संवर्धन की नीति। ग्रेटर रिलायंस ऑन FDI rather than domestic investment, पहले FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब क्या है, पहले क्या था, मतलब घरेलू, केवल जितनी घरेलू इन्वेस्टमेंट है उसी पे भरोसा किया जाता था। वी वर ऑपरेट ऑफ FDI बिकॉज अवर पास्ट एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले का जो भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अनुभव था वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश कराने में डरते थे। बट नाउ FDI इज गिवेन मोर प्रायोरिटी, अब FDI को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो इससे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स केम इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड देयर ओन इंटरप्राइज। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक भारत में आए और उन्होंने अपना जो भी था इंटरप्राइज शुरू किया, उद्योग शुरू किया। डीपर इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमीज थ्रू द मार्केट प्रोसेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा गहरा जुड़ा हुआ, ठीक है। मीन्स नाउ वी आर मोर कनेक्टेड टू अदर वर्ल्ड, वी आर सप्लाइंग मोर प्रोडक्ट्स टू अदर वर्ल्ड, दूसरे देशों को हम ज़्यादा आज निर्यात कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए, उनके साथ व्यापार ज़्यादा हो रहा है, तो इसका भी असर आया। बट आफ्टर 2014 वी हैव सीन सम फॉल इन दिस ट्रेंड, 2014
2014 के बाद हमने ये जो भी प्रवृत्ति थी इसमें कमी देखी गई 2014 के बाद, ठीक है। देयर वर मेनी रीजंस, डिमोनेटाइजेशन, इफेक्ट ऑफ अदर इकोनॉमीज एंड सम न्यू रिफॉर्म्स विच हैव बीन अंडरटेकिंग, दे आर नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड। जो भी हमारे देश में सुधार करने के लिए जो भी कोशिश की गई उनको सही ढंग से किया नहीं गया, उनको प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से नहीं किया गया। और जो दूसरे देशों का भी कुछ प्रभाव था, इसके अलावा जो विमुद्रीकरण हुआ उसका भी प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से 2014 के बाद से जीडीपी ग्रोथ रेट कम होता गया। सो इन 2019 इन द फर्स्ट थ्री क्वाड्रेंट्स ऑफ 2019 जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 4.5%, 4.5% नहीं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट वाज 5%, पहले में जो था 5% था फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ 2019 वाले वर्ष के पहले जो चौथाई है, मतलब कि पहली जो तिमाही है उसमें 4-5% था, एंड लेटर थ्री क्वाड्रेंट इट वाज 4.5%, बाद वाली जो तीन तिमाही है उसमें 4.5% था, ठीक है। फाइनली जो रिवाइज होके आया, ये तो शुरुआत की एक्सपेक्टेशन थी, जो रिवाइज होके टोटल आया, अकॉर्डिंग टू दैट आवर ग्रोथ रेट वाज ओनली 4.2% इन 2019-20 में, जो अंत में रिवाइज होके आया, जो मतलब अपडेटेड जो भी वैल्यू आई, पहले तो इस्टीमेशन करते हैं तो इस्टीमेशन का नहीं, जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो 4.2% थी ग्रोथ रेट हमारी 2019-20 में। तो बहुत हम लोग पीछे चले गए, कहाँ 8-9% तक पहुंच गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 12वीं नहीं 10वीं और 11वीं में, अब वो एकदम थे कम हो गया, ठीक है। एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ 2020 इट इज नेगेटिव -23.9%, 23.9% थी 2020 के पहले क्वाड्रेंट में, जो पहला जो तिमाही थी 2020 का, यानी अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 के बीच -23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट। उसके बाद भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी माइनस में आया है, थर्ड क्वार्टर क्वाड्रेंट का भी जल्दी पता चल जाएगा कुछ टाइम पे। ग्रोथ हिस्टोरी ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की ग्रोथ हिस्टोरी, समृद्धि दर, इसकी कहानी पाकिस्तान की। तो इन 2019 जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड टू बी 274.05 बिलियन US डॉलर, ये भी एस्टिमेशन है। 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी थी 274.05 बिलियन US डॉलर, ये मिलियन नहीं है, सॉरी ट्रिलियन नहीं है, बिलियन है, अरब में है, ठीक है, ये अरब में है, वो लाख करोड़ में थी, ऊपर वाला था ट्रिलियन, इंडिया और पाकिस्तान का बताया गया है, सॉरी इंडिया एंड चाइना का ट्रिलियन डॉलर में है, ये याद रखना, 2.972 ट्रिलियन US डॉलर ये है, ठीक है, और ये बिलियन है उससे कम, 274.05 बिलियन US डॉलर। तो पाकिस्तान इकोनॉमी रिकॉर्डेड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.2% बिटवीन द पीरियड 1960 to 2019। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने 4.2% की समृद्धि दर हासिल की 1960 से 2019 के बीच में, ठीक है। सो इन जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना इज एट फर्स्ट नंबर, इंडिया एट सेकेंड नंबर, पाकिस्तान एट थर्ड नंबर, पाकिस्तान सबसे नीचे है तीसरे नंबर पे जीडीपी ग्रोथ रेट में, चीन का पहला स्थान, दूसरे स्थान पे भारत का, तीसरे में पाकिस्तान का।
Pakistan achieved a breakthrough in GDP growth in the mid-80s. Pakistan ने mid-80s में 1980 के मध्य वाले टाइम में, मतलब 1984-85-86 के टाइम से ही GDP में चेंज देखा. And in China, it was the beginning of 1980s. China में 1980 के शुरुआत में हुआ था. And India, it is miss breakthrough in GDP had been seen after 1991. India में जो भी GDP में बहुत तेजी आई, जो भी परिवर्तन देखा गया, विशेष परिवर्तन देखा गया, वो 1991 के बाद में देखा गया. मीन्स पहले चाइना ने इम्प्रूवमेंट शुरू किया, फिर पाकिस्तान ने, फिर इंडिया ने शुरू किया. लेकिन फिर भी इंडिया का ज़्यादा है पाकिस्तान की अपेक्षा. इट वॉज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म फोकसिंग ऑन FDI एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. अब ये क्यों संभव हुआ, वहाँ पे भी शुरुआत में क्या था, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा जोर था. अब लेकिन इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स फोकसिंग ऑन FDI एंड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर फॉर ग्रोथ. पाकिस्तान हैज ऑल्सो अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी विच इंडिया हैड अडॉप्टेड. पाकिस्तान ने भी वही नीति अपनाई जिसे इंडिया ने किया, निजीकरण के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया, निजी क्षेत्र को की ग्रोथ या ग्लोबलाइजेशन वगैरह, FDI को आकर्षित करने का काम वही चीज़ पाकिस्तान ने किया. सो बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज द पाकिस्तान हैज अचीव्ड सब्सटेंशियल चेंज इन GDP ग्रोथ. पाकिस्तान को इन सब नीतियों से GDP ग्रोथ रेट में काफ़ी परिवर्तन दिखा. पाकिस्तान रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज इन इंडिया, बट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 2008 वी आर सींग दैट द GDP ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इज रिड्यूसिंग. इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. जो 2008 के बाद से हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की ग्रोथ है वो कम चली जा रही है. सब लोग जानते हैं पाकिस्तान किस लिए फेमस है, ठीक है, मेन रीजन उसी का वही है. आफ्टर मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 21st century वी हैव नेवर सीन एनी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कोई परमानेंट जो स्थाई सरकार नहीं देखी है. आतंकवादी बहुत सारे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल टर्मोइल द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू डाउनफॉल. ये सब पाकिस्तान में जो भी सामाजिक विवाद चल रहा है, उपद्रव मचा हुआ है, जो भी आतंक है या राजनीतिक अस्थिरता है, इसकी वजह से पाकिस्तान में अब ये सब हम डाउनफॉल देख रहे हैं, ठीक है. पाकिस्तान हैज बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर. इट हैज इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर. डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी परेशान हो गए हैं और बाहर वाले तो आएंगे ही नहीं जब इतनी समस्या देखेंगे. दोनों लोग परेशान हैं. तो डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन FDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज FDI बोथ स्टार्टेड सिंकिंग. देन करप्शन इन पॉलिटिकल, ये तो हमने बताया था हर देश की समस्या है, ठीक है. भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता, यह हर देश की समस्या है. द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज स्लम्प्ड टू 3.75% बिटवीन द पीरियड 2008-2016. जो औसत GDP ग्रोथ रेट है 2008 से 2016 के बाद घट के फिसल के पहुंच गए 3.75%, 4.2 से भी नीचे, 4 से भी नीचे. इतनी GDP ग्रोथ रेट तो हमारे यहाँ फर्स्ट 5-year प्लान में भी नहीं थी, इससे बहुत ज़्यादा थी. इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान grew at the rate of 5.3% in 2017. 2017 में 5.3% में थोड़ा रिकवर करना शुरू किया 2017 से. In 2019 it further slumped to 3.3%, but again it slipped
3.3%। एक बार थोड़ा बढ़ा 2017 में, 2019 तक फिर वही हालत हो गई, पीछे चला गया 3.3%। सो ओइंग टू स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंटली द लो लेवल ऑफ इनकम, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलमोस्ट संक इनटू लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। अब लगातार लो इनकम से क्या हुआ, डिमांड भी कम हुई। सो लो इनकम लो डिमांड लो जीडीपी ग्रोथ वाला जो ट्रैप है, जाल है, निम्न आय और निम्न समृद्धि वाले जाल में पाकिस्तान फंस चुका है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी क्या था, पाकिस्तान वाज गेटिंग मच मनी मच ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान को यूएस और दूसरे भी देश थे वो बहुत ज्यादा उसको धन देते थे, वो भी अब कम हो गया है। कंक्लूजन अब क्या निकल के आया, चाइना हैज आउटपेस्ड इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, मींस चाइना इज एट नंबर वन विद रिगार्ड टू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ की देखी जाए तो चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दिया है, पहले स्थान पे आ गया है, ठीक है। चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान, सॉरी इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान से अच्छा किया है, मीन्स इन वी आर एट द सेकेंड प्लेस, हम दूसरे प्लेस में हैं, चाइना से तो बहुत पीछे हैं अभी। कंपेयर टू चाइना इंडिया इज वे बिहाइंड, बहुत पीछे हैं। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना। अब चाइना में क्यों ज्यादा सक्सेस हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देयर इज ओनली वन पार्टी, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज फर्मली डिटरमाइंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सरकार वहां की बिल्कुल कठोर है, चीन की एक ही पार्टी की सरकार वहां पे चलती है, और वो क्या है, एक तो स्थिर है सरकार और दूसरा वो दृढ़ निश्चयी है कि उसका अपने देश का विकास करना है। सो वाट एवर द गवर्नमेंट प्लान्स इट इम्प्लीमेंट्स इट इन एनी हाउ, कोई भी कैसा भी तरीका हो सरकार वो करेगी जो उसको चाहिए, जो उसको करना है। नो बडी कैन स्पीक अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ कोई बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। बट इन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर वी इंडिया एंड पाकिस्तान वी हैव सीन दैट देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, समटाइम कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट, कभी कभी सरकार की व्यवस्था रहती है, कभी कभी क्या रहती है, अस्थिर सरकार रहती है। सो द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट सो पावरफुल टू इम्प्लीमेंट देयर ओन डिसीजन। भारत और पाकिस्तान की सरकार इतनी मजबूत नहीं कि अपने जो चाहे वो जो कानून बना के लागू करें, जो भी मतलब फैसले लें उनको लागू कर दें। सो सक्सेस ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एन आई ओपनर ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो भी विकासशील देश हैं उन सब के लिए चीन की समृद्धि दर एक आई ओपनर है, मतलब उनको उनकी आंखें खोलने वाली है, उनको उससे कुछ सबक लेना चाहिए। वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना। अब लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी हुई, बट इफ वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तब क्या होगा, देन वी मे से दैट मे वी मे सी दैट द कंडीशन ऑफ सिटीजन्स आर बेटर इन इंडिया एंड पाकिस्तान देन दैट ऑफ चाइना। जो स्थिति है अगर हम देखें अच्छी सरकार की, अच्छे जो सरकार का काम देखें, तो उस हिसाब से अगर तुलना करें तो नागरिकों की स्थिति भारत और पाकिस्तान में चीन की अपेक्षा अच्छी है।
यहाँ पे चाइना ने प्रूव किया है कि अगर सरकार अच्छी हो तो रिसोर्स की उपलब्धता जीडीपी में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाती है। चाइना हैज प्रूव्ड दैट द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट गुड गवर्नेंस बाय द स्टेट एंड गुड कॉम्प्लायंस बाय द सिटीजन। सिटीजन जो नागरिक हैं वो सहयोग करें और सरकार जो है अच्छा कार्य करे, तब क्या होता है जीडीपी ग्रोथ अच्छी ढंग से बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जा सकती है चाहे हमारे पास संसाधन कम हो। फिर भी जो चीन की सरकार है वो अपने सिटीजन्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, हम लोग जो हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब संवर्ध की संरचना या उत्पादन और रोजगार में अलग अलग सेक्टर की जो शेयर हैं, अंशधारिता है, अंश हैं, कितना कौन जीडीपी में शेयर कर रहा है, कौन सा क्षेत्र कितना एम्प्लॉयमेंट में कौन सा क्षेत्र अपना शेयर कर रहा है, तो अब वो देखेंगे। सी फर्स्ट परसेंट शेयर इन जीडीपी, ये शायद 2017 का वो डेटा 2016 का है, ठीक है। परसेंटेज शेयर इन जीडीपी इंडिया पाकिस्तान चाइना, प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया 15.4% ऑफ जीडीपी इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से जीडीपी में जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो दिखाई गई। प्राथमिक क्षेत्र मीन्स एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज 15.4%। प्राथमिक क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर हो गया और जो बाकी जो हैं वो सारी क्रियाओं से 15.4% जीडीपी का हिस्सा मिलता है। इन पाकिस्तान इट इज 24.4%, इन चाइना 7.9%। मीन्स इन पाकिस्तान मोर इनकम कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अर्निंग मोर इनकम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। अगर भारत की अपेक्षा देखें, भारत और चीन दोनों की अपेक्षा देखें, तो पाकिस्तान जो है प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा आय प्राप्त कर रहा है, अपने आय का शेयर अपने आय का हिस्सा ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कर रहा है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन की अपेक्षा। इन सेकेंडरी सेक्टर इंडिया इज गेटिंग 23.1% ऑफ जीडीपी, पाकिस्तान 9.1%, चाइना 40.5%। द्वितीयक क्षेत्र में देखें तो चीन 40.5% द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण इंडस्ट्री से प्राप्त कर रहा है जीडीपी, पाकिस्तान 19.1 और भारत 23.1। इट मीन्स द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज बेटर इन चाइना देन बोथ ऑफ द अदर कंट्रीज। दोनों देशों भारत और पाकिस्तान की अपेक्षा चीन में इंडस्ट्री की औद्योगिक विकास की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, 40.5% आ रहा है। चीन जो पूरे वर्ल्ड का सप्लायर है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है एंड पाकिस्तान इज एट थर्ड नंबर। मीन्स द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट सो गुड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज नॉट अचीव्ड मच सक्सेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने औद्योगिक विकास में ज़्यादा समृद्धि हासिल नहीं की है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक जो भी समृद्धि लाना है उद्योगों में, इंडिया की जो स्थिति है थोड़ा बेटर है। इन टर्शियरी सेक्टर जीडीपी शेयर ऑफ इंडिया इज 61.5, पाकिस्तान 56.5 एंड चाइना 51.6। टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में देखें तो भारत का 61.5% जीडीपी का हिस्सा आ रहा है तृतीयक क्षेत्र यानी व्यापार वाणिज्य और जो क्या बोलते हैं सेवाओं से। पाकिस्तान में 56.5% है, चीन में 51.6% है। सो चाइना इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सेकेंडरी सेक्टर बट इंडिया एंड पाकिस्तान आर सोविंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी डायरेक्टली। भारत में और पाकिस्तान में सीधा
प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की तरफ जो शिफ्ट है, जो चलन है, वो ज़्यादा देखा जा रहा है सेकेंडरी में कम। और चीन में क्या है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज देन वी कैन सी दोज कंट्रीज हैव फर्स्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रीज देन दे डेवलप्ड टर्शियरी सेक्टर मीन सर्विसेस। जो ज़्यादातर जितने भी विश्व के विकसित देश हैं उनका इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर पहले द्वितीयक क्षेत्र का विकास हुआ, फिर तृतीयक क्षेत्र का विकास हुआ। फर्स्ट पीपुल शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज टू सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज देन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पहले प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, धीरे धीरे विकास होता है तो द्वितीय क्षेत्र की बढ़ती हैं, फिर तृतीय क्षेत्र की बढ़ती हैं। लेकिन अपने देश में क्या हुआ, प्राथमिक से सीधे जंप होकर तृतीयक में जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, चाइना सही रास्ते पे है। चाइना इज मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। चीन में पहले प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की तरफ झुकाव देखा गया या बढ़त देखी गई, उसके बाद द्वितीयक से तृतीयक में देखा जा रहा है। तो चीन जो है दोनों से बेटर है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली पहुंचे जा रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं। देखो अब देखो, इन ऑल द थ्री कंट्रीज नो प्राइमरी सेक्टर इज नो लॉन्गर द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। आज के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर मुख्य जीडीपी का कंट्रीब्यूटर नहीं है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस More than 50% of GDP was from agriculture. जब शुरुआत की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या था, 50% से ज़्यादा GDP का हिस्सा आता था agriculture से। तो हम अच्छा transition देख रहे हैं, मीन्स structural transformation अच्छा देख रहे हैं। In terms of sectoral contribution to GDP, economies of India and Pakistan are now relying more on tertiary sector, while economy of China is relying more on secondary sector. अगर क्षेत्रवार हम GDP में योगदान देखें तो भारत और पाकिस्तान तृतीयक क्षेत्र पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो पहले द्वितीयक क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है। सो पाकिस्तान इज फॉलोइंग दैट वे बाय विच मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गॉन। जिस रास्ते से विश्व के ज़्यादातर विकसित देश जो गए हैं उस पर वो चीन जो है चल रहा है। चाइना हैज गॉन आउट दैट वे। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट फॉलोइंग, दे आर डायरेक्टली जंपिंग, डायरेक्टली शिफ्टिंग टू टर्शियरी। भारत और पाकिस्तान जो है सीधे सीधे तृतीयक क्षेत्र में आ रहे हैं। तो अब क्यों हो रहा है तृतीयक क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कनेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। भारत और पाकिस्तान जो सेवा क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा तेजी से जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। विश्व के जो भी विकसित देश हैं वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत और पाकिस्तान सेवा क्षेत्र पे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। BPO सर्विसेज वगैरह सब बढ़ रही हैं इस वजह से। तो ये सब तो हुआ GDP की ग्रोथ में क्या क्या चेंज आया, ठीक है। तो ये चाइना में सेकेंडरी सेक्टर क्यों आगे बढ़ा, भारत पाकिस्तान में तो सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा, ठीक। चाइना में सेकेंडरी क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी विच वॉज लॉन्च इन 1958 दैट इंकरेज पीपुल टू प्रोड्यूस टू इस्टेब्लिश स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स इन दियर होम। सब लोगों को इसने क्या किया, इस जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ने, कैंपेन ने, अभियान ने, चाइना ने जो 1958 में चलाया था, इसके जरिए सबको उत्साहित किया गया कि वो लोग अपने घर में इंडस्ट्री लगाएं, अपने घर के पिछवाड़े पे या घर के आंगन में जहाँ कहीं भी जगह है छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएं। सेकेंड, पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप लॉन्च इन 1978
which gave a big push to China's manufacturing export. जो निर्यात वाला निर्माण था उसको बढ़ावा दिया गया दूसरे देशों के साथ जुड़ने वाली नीति से, सुधार और दूसरे देश के साथ जुड़ाव की या खुलने की 1978 में यह नीति बनाई गई। तो इसकी वजह से चाइना की इंडस्ट्री को ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, सर्विस का कम हुआ भारत और पाकिस्तान की अपेक्षा। अब इनकम की बात करें, अभी तक हमने बात की थी किसकी, नहीं अभी तक इनकम की बात की थी, अब शेयर पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कौन से सेक्टर में कहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है। इन प्राइमरी सेक्टर्स 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वर्किंग, 22% इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 31% इन टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में भारत के 47% लोग कार्यरत हैं, 22% लोग द्वितीयक क्षेत्र में और 31% तृतीयक क्षेत्र में। सी, इनकम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज 15.4% बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 47% पीपल। जो आय है वो केवल 15.4% है प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन वो आय प्राप्त करने वाले 47% लोग हैं। तो सोचो इस सेक्टर में लगे हुए लोग कितने गरीब होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर इज गुड बट इन टर्म्स ऑफ इनकम टर्शियरी सेक्टर इज गुड। तृतीयक क्षेत्र किस में अच्छा है, इनकम में अच्छा है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अच्छा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में प्राथमिक क्षेत्र अच्छा है। तो ये हमारे देश की समस्या है, एक क्या किया जाए, इन लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। अभी भी देख लो सब लोग दिल्ली में धरना दिए रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसे कानून ना लागू किए जाए। सो इन सेकेंडरी सेक्टर 22% पीपल आर एंगेज एंड इनकम इज अबाउट 23.1%। यहाँ तो कुछ कुछ एक है, मान लो 100 में से लगभग 1 रुपया मिल जा रहा है सबको, हर आदमी को 1-1 रुपया मिल जाता है। अगर हम 100 लोगों पे डिवाइड करें 100 रुपए को, तो यहाँ तो कुछ ठीक है। बट इन टर्शियरी सेक्टर इनकम इज वेरी हाई, सो देयर यहाँ पे इनकम टर्शियरी सेक्टर में तृतीयक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी मच गैप, वाइडर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, हैव एंड हैव नॉट्स। जो संसाधन विहीन और संसाधन सहित वाले लोगों के बीच में काफ़ी अंतर हो जाएगा भारत में, जब गरीब और अमीरों के बीच में अंतर होगा। फिर इन पाकिस्तान आल्सो प्राइमरी सेक्टर 42.3% आर इंगेज, इन टर्शियरी 22.6% आर इंगेज, इन सेकेंडरी 22.6 एंड इन टर्शियरी 35.1%। लगभग सेम टू सेम भारत की जैसे ही इसकी भी चाल है, ठीक है। थोड़ा इंडिया की अपेक्षा टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इन पाकिस्तान मोर पीपल आर, मोर परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज इन टर्शियरी सेक्टर देन इंडिया, एंड इन प्राइमरी सेक्टर लेस परसेंटेज ऑफ पर्सन आर वर्किंग इन पाकिस्तान देन दैट ऑफ इंडिया। भारत की अपेक्षा कम प्रतिशत में लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में तो लगभग सेम है, देखो वैसे ही है 22.6 22। नाउ इन चाइना अंडर प्राइमरी सेक्टर 27.7% आर वर्किंग एंड इनकम इज 7.9, मीन्स इसमें ज़्यादा इनकम कम है यहाँ पे भी और लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन सेकेंडरी सेक्टर 28.8% एंड इनकम इज 40.5%। सो पीपल हु आर वर्किंग सेकेंडरी सेक्टर इन चाइना आर गेटिंग गुड इनकम। जो लोग चाइना में द्वितीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको अच्छी इनकम मिलेगी, 28.8% लोगों को 40.5% जीडीपी का हिस्सा मिल रहा है, या वो लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इन टर्शियरी सेक्टर आल्सो पीपल आर अर्निंग, मीन्स 43.5% पीपल आर वर्किंग इन टर्शियरी सेक्टर, दे आर अर्निंग 51.6% ऑफ जीडीपी। तृतीयक क्षेत्र में
चीन में 43.5% लोग काम कर रहे हैं और भारत में 51.6% जो GDP शेयर है उसका 51.6% है। तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टर्शियरी सेक्टर वाला ज़्यादा इनकम कमा रहा है बाकी दूसरे सेक्टर की अपेक्षा, लेकिन भारत और भारत में देखें तो बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है। काम कम लोग कर रहे हैं, जॉब कम लोगों को मिली है, लेकिन पैसा ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। ठीक है, ये दिस टेबल इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑल थ्री कंट्रीज वर प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर इकोनॉमीज। इसमें इसको हम कंपेयर करते समय हम ध्यान दें कि जितने भी तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं शुरुआत में क्या थी, ये एग्रीकल्चर कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी। प्राइमरी सेक्टर इन दीज इकोनॉमीज इंगेज नियरली 75% ऑफ वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूटेड नियरली 50% टू कंट्रीज GDP इन 1950। मीन्स द स्टोरी ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर सिमिलर इन द बिगनिंग ऑफ दियर इंडिपेंडेंस। जब इन लोगों को आज़ादी मिली, विदेशी जो भी ताकतें थे उनसे जब स्वतंत्र हुए, तो तीनों देशों में लगभग एक जैसी स्थिति थी। GDP में प्राथमिक क्षेत्र जो है 50% के आसपास योगदान दे रहा था और वर्कफोर्स जो थे कार्यबल थे 75% लगे थे। तो शुरुआत तो सबने सब एक ही तरीके से की। सो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज नॉट बीन एज सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज इन चाइना। चाइना फर्स्ट जंप फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज गोइंग टू टर्शियरी। पहले जो अगर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो चीन में जिस तरह से हुआ है वैसा भारत में नहीं हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ है। ठीक है, इंडिया में क्या प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान में पहले सेकेंडरी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, सेकेंडरी पे जा रहे हैं। इंडिया हैज वर्चुअली फेल्ड इन दिस रिस्पेक्ट, इस बारे में भारत फेल हो गया है। ठीक है, विदाउट इंडस्ट्री हाउ कैन वी प्रोवाइड जॉब्स टू मोर पर्सन। विदाउट इंडस्ट्री हाउ कैन वी रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। बिना इंडस्ट्री के डेवलप किए गए उद्योगों का विकास किए हम कैसे कृषि से लोगों का हटा सकते हैं, वहाँ से दबाव कम कर सकते हैं, जनसंख्या का दबाव कम करें, कैसे दूसरे सेक्टर में हम जॉब दें। वी आर डेवलपिंग टर्शियरी सेक्टर बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लेस। टर्शियरी सेक्टर में हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन जॉब तो कम है, वहाँ पे नौकरी कम है। इंडिया डायरेक्टली टर्शियरी में पहुँच रहा है और पाकिस्तान और चाइना सेकेंडरी को से होके जा रहे हैं। पीपल इन इंडिया हैव स्टक टू प्राइमरी एक्टिविटीज डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सेक्टर। अभी भी लोग हमारे देश में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जबकि जो इसका शेयर है GDP में कम हो जा रहा है। मीन्स द पीपल हु आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी दे आर गेटिंग लेस इनकम एंड दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड एग्रीकल्चर, दे आर नॉट एबल टू लीव एग्रीकल्चर। ये लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि बाहर इनको जॉब नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। कम इनकम होने के बावजूद भी वहीं पे लगे हुए थे। ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, सो मीन्स दिस इज लाइक एन इकोनॉमी स्लिपिंग इन टू जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस। इंडिया जो है अपना देश है जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस में जा रहा है। वी आर डेवलपिंग टर्शियरी सेक्टर बट नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जॉब्स इन इंक्रीजिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्शियरी सेक्टर। हम टर्शियरी सेक्टर में विकास तो बहुत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, लेकिन वहाँ पर नौकरी नहीं बना पा रहे हैं, नौकरी हमारी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है इसको अगले दिन अब पढ़ा जाएगा। अब किसी को समस्या